अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और मेरे शहजादों और शहजादियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? एक बार फिर प्यार की चिट्ठी के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। प्यार की चिट्ठियाँ हम बहुत प्यार से लिखते हैं क्योंकि आप हमें बहुत प्यार से कॉमेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास लेटर आया है, प्यार की चिट्ठी आई है, शब्बीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी प्यारी अम्मी जान और हमारे प्यारे अब्बू जान, आप कैसे हो? अगर हमारी अम्मी जान नहीं है व्लॉग में तो व्लॉग बहुत फीका लगता है। तो भाई देखें, हम फिर आपकी अम्मी जान को लेकर आए ना, ठीक है? इसलिए आपका बेटा चाहता है कि हमारी प्यारी अम्मी जान सब व्लॉग में आए, क्योंकि वो आती हैं तो व्लॉग में चार चांद लग जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने आपके भाई ने व्लॉग में चार चांद लग जाते हैं और एक खूबसूरत सा माहौल हो जाता है। प्लीज़ अबू जान, हमारी प्यारी अम्मी जान को व्लॉग में ज़रूर लाएं। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारी प्यारी अम्मी जान और हमारे प्यारे अबू जान को जल्द से जल्द हज नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस आप अपने बेटे को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और हमारी सब बहना कैसी हैं, मेरे प्यारे अल्लाह पाक आप सबको किसी की नज़र ना लगे। और प्यारे अबू जान, हम आपको एक राज की बात बताएं। भाई राज की बात आप बताएं, राज की बात क्या हो सकती है? हदा हुदा गैस है, राज की बात क्या हो सकती है? अच्छा, ये लिखते हैं कि आपको हम एक राज की बात बताएं, वो ये कि हमारी प्यारी बहना अदा, हमारी प्यारी बहना अदा आपी रियल में हमारी छोटी सिस्टर जैसी दिखती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। हम चाहते हैं कि हमारी प्यारी अम्मी जान हमको बेटा कहकर पुकारे और हमारी प्यारी बहनें हमें भाई जान कहकर पुकारें। प्लीज़ 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 प्लीज़। तो भाई बच्चियों, नाम है इनका शब्बीर अहमद, को एक बार भाई जान कह के सलाम करें। चलिए भाई, शब्बीर भाई देख लें, आप माशाल्लाह खुदा सिस्टर के भाई हैं और हमारे लिए ये बहुत प्यार की बात है, हमारे बेटे हैं। और भाई अदा, आप ना इनकी छोटी बहन से मिलती हैं माशाल्लाह। तो अब ये ना कि दो हमारी जो ना फेरिस हो गई, अदा जूनियर भी हमारे साथ आ गई। तो शब्बीर अहमद के लिए बहुत क्लैपिंग। तो मिशा, आप क्या कहेंगी शब्बीर अहमद के लिए? बहुत प्यारे बेटे माशाल्लाह। कि भाई शब्बीर, अब तो आप खुश हो जाए ना कि आपकी अम्मी ने आपको कितने प्यार से जो ना कहा है। चले भाई, दूसरी चिट्ठी किसके पास है? अदा गुड़िया, आप देखें। स्मार्ट वर्ल्ड ब्लॉग का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। अंकल जी, मेरा एक आइडिया है, आप जो कमेंट्स प्यार की चिट्ठी में सिलेक्ट करें, बाकी जो नाम हो उन्हें आखिर में एक एक करके लें, इससे सबका दिल खुश हो जाएगा। उनके सिर्फ नाम ले लीजिए, मेरा आइडिया कैसा लगा तो रिप्लाई जरूर करिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ब्लेस यू ऑल। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि जो आप कमेंट सिलेक्ट करते हैं ना प्यार की चिट्ठी में, पांच या छः या जो भी, तो बाकी जो नाम, क्योंकि सब भी फैन हमारे प्यारे हैं, तो उनका जो ना आप सिर्फ नाम ले लिया कीजिए। ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करेंगे। जजाकल्ला बेटा, बहुत शुक्रिया भाई। एमन परी, आपके पास किसकी चिट्ठी है? चलें, आप मुझे नाम लेते हैं, फिर मैं पढ़ देता हूँ। एमडी मारूफ। तो भाई एमन की चिट्ठी है एमडी मारूफ। पापा जान, आपकी कोई वीडियो ऐसी नहीं कि जो मैंने ना देखी हो और उसे लाइक ना किया हो। मैंने आप लोगों को इतने कमेंट्स किए ये, मगर आप लोगों ने मेरे एक भी कमेंट का जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप प्यार की चिट्ठी में मेरा नाम नहीं लेते। प्लीज़ टेक माई नेम रईसा। अल्लाह पाक पापा जी मम्मा जी को सेहत अता फरमाए, सही सलामत रखे और हुदा सिस्टर्स को भी सलामत रखे। मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। अल्लाह और अल्लाह प्यार की चिट्ठी में, प्यार की चिट्ठी जब आती है ना तो मैं देखती हूँ, जब मेरा नाम नहीं आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर मेरा अल्लाह पाक चाहे तो मेरा ये लेटर आप तक पहुंचा दे। अल्लाह हाफिज़।
माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या नाम है इनका? रईसा, रईसा मेरी शहजादी, आपने इतने प्यारे अल्फाज बोले तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो भाई ये देखो, प्यार के आंसू थे ये हमारी प्यारी बेटी रईसा के लिए, और आपका जज्बा और आपका प्यार, यकीन करें आपके पप्पा को और आपकी मम्मा को और आपकी सब बहनों को इतना पसंद आया कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो भाई हमारी प्यारी बेटी रईसा के लिए बहुत सारी तालियां। चलें जी, उम्दा बेटा आपके पास किसकी चिट्ठी है? मेरी चिट्ठी पे नाम आया है सद्दाम हुसैन। सबसे पहले आप सब खुदा सिस्टर को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और स्पेशल अम्मी अब्बू के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मुझे वबरकातुहू। आपकी प्यारी फैमिली और प्यारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, और आपका हर वीडियो टाइम निकाल कर देखता हूँ। चाहे ब्लॉग प्यार की चिट्ठी में मेरा नाम आए या ना आए, इससे मतलब नहीं, लेकिन जब मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। अपने परिवार के साथ ब्लॉग में आप सबका मुस्कुरा कर बात करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आप सबके साथ बैठकर मुस्कुरा रहा हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी मगफिरत फरमाए, आमीन। माशाल्लाह, क्या नाम है बच्चे का? सद्दाम हुसैन। सद्दाम बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका ये प्यार जो ना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, और बिल्कुल आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। आप जब हमारे साथ देखकर मुस्कुराते हैं, हमारे प्यार की चिट्ठी सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, और हम सब आपके साथ ही तो हैं। हाँ, और ये साथ अल्लाह पाक बनाए रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं कि जो हुदा सिस्टर्स जिस एज ग्रुप में है ना, तो वहाँ पे मौज मस्तियाँ जो ना बहुत होती हैं। तो ये ब्लॉग, ये वैसे भी माशाल्लाह जो ना घर में मुझसे हंसी मजाक करती रहती हैं, और ब्लॉग के दौरान भी इनको जो ना ये मुख्तलिफ चुटकुलों पे जो ना हंसी आती रहती है। तो आप बताइएगा कि ब्लॉग में इनकी ये हंसी जो ना वो आपको अच्छी लगती है, या फिर मैं इन्हें डांटूं? ठीक है। तो अच्छा, तो क्योंकि बच्चों का ये हंसी मजाक मुस्कुराना तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी जो ना ये ऐसे वक्त पे जो ना चुटकुले छोड़ती हैं जब मैं बहुत सीरियस होता हूँ, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। लेकिन मैं कहता हूँ हम भी अपनी एज में जो ना, मुझे अपनी जो ना स्कूल लाइफ में जो ना कभी स्टडी पे जो ना मुझे डांट नहीं पड़ी, लेकिन जब किसी डांट पड़ी होती थी ना तो मैं बहुत हंसता था, तो इस पे मुझे डांट जो ना बहुत पड़ती थी। तो नेक्स्ट चिट्ठी किसके पास है? नेक्स्ट मेरे पास है, ये है इट्स मी सईदा की। उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राशो अंकल और हुदा सिस्टर्स और आंटी, प्लीज मेरा नाम लीजिए सैयदा रुकैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिकॉज मेरी फैमिली काफी बड़ी है, और बुशरा राशिद के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जर्नी ऑफ बुशरा राशिद, इसे प्लीज, हाँ दिखा हुआ, तो प्लीज बुशु मेरा नाम लीजिए सैयदा रुकैया, और प्लीज नेक्स्ट प्रायोरिटी में मेरा कमेंट जरूर पढ़िएगा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान की प्रिंसेस हुदा सिस्टर्स। वाह जबरदस्त, बुशु तो माशाल्लाह बुशु है ना। तो भाई बुशु, आप फिर इनका नाम लेने के लिए कहा है आपको? जी सैयदा रुकैया की मैंने वीडियो देखी थी, और मैंने इसको इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगाया था, मुझे बहुत पसंद आई थी आपकी वीडियो और लॉट्स ऑफ और लव। नाम रईसा नाम है? नहीं, सैयदा रुकैया। सैयदा रुकैया, बेटा अभी आपकी बहन ने आपका नाम लिया है बड़े प्यार से, और वो कह रही है कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी आपकी जो है लगाई थी, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार, बहुत नवाजिश, शुक्रिया बेटा। नेक्स्ट। मेरा नाम, मेरे पास है नाम मोहम्मद। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मोहम्मद अम्मा हुवा अहलु। तो मोहम्मद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स एंड ऑल फैमिली, बहुत अच्छा लगता है आपका व्लॉग देखकर, अल्लाह पाक आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी फैमिली ऑफिशियल को भी सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, आमीन इंशाल्लाह। जजाक अल्लाह। प्लीज़ टेक माई नेम, हम पांच बहनें हैं, हम लोग पांच बहनें हैं, जैनब, रुपैया, सुमैया, जकिया और सफिया। तो बेटा इनका नाम ले भाई, जैनब, रुपैया सफिया और सुमैया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना, एक जैसे नाम है और बहुत खूबसूरत नाम है, जैनब, रुकैया, सुमैया, जकिया और सफिया। प्लीज प्यार की चिट्ठी में हमारा नाम लीजिए। तो देखो बेटा,
आप इतना प्यार करें और हम आपका नाम क्या, हम आप हमारे दिल में रहते हैं। और जैनब का नाम अदा ले, चले मैं अदा जैनब का नाम ले, जैनब और रुपया का नाम शुम्मा ले, रुकैया सुमैया का नाम बुशरा ले, अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसे हैं आप? जकिया का नाम उम्दा ले, अस्सलाम वालेकुम जकिया। और सफिया का नाम हुदा ले। भाई हुदा तो आज हमारे ब्लॉग में नहीं है, क्योंकि आज हुदा की बर्थडे है, वो शादी में बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए वो सो रही है, बहुत ज़्यादा थक गई तो हमने उसे जगाया भी नहीं। तो हुदा का नाम वो किन का नाम, नहीं मोहम्मद आखिर में ना सफिया, तो मिशा हुदा की जगह जो ना आप सफिया बेटी का नाम आप ले लीजिए। सफिया मेरी प्यारी शहजादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कह रही हैं कि हमारा जो ना एक छोटा भाई है, प्यार की चिट्ठी में हमारा एक भाई मोहम्मद है, मोहम्मद ब्रादर का नाम मासूम आंटी लें। मोहम्मद मेरी प्यारी शहजादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना प्यारा आपका नाम है। तो मोहम्मद बेटा हमारे तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। मोहम्मद कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, उसके लिए दुआ करें कि उसका हिफ्ज़ कुरान जल्द मुकम्मल हो जाए। लव यू हुदा सिस्टर, प्लीज़ नाम ज़रूर लीजिएगा, नाम ज़रूर लीजिएगा पापा जी, ज़रूर बहुत पापा जी आप बहुत नेक इंसान हैं। नहीं पता क्या मुझे अपनी राइटिंग बाज़ ओवर खुद भी समझ में नहीं आती, बस जल्दी में लिखता हूँ ना तो पता, फिर बच्चों को समझ में आएगी, मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ तो फिर डॉक्टर डॉक्टर जैसी मेरी राइटिंग है। तो भाई मोहम्मद बेटा माशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह हमारा शहजादा बहुत जल्द हिफ्ज़ कुरान बनेगा, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दीनों दुनिया की सारी भलाइयां अता फरमाएं और आपको आपकी फैमिली के साथ हमेशा खुशोबाद रखे, आमीन। अभी किसकी चिट्ठी रहेगी? तो गाइज अभी हमारे पास जो आपकी प्यार की चिट्ठियां थी, 1 2 3 4 5 6, तो अभी जो है ना हमारी खुदा फैरी जो ना जाग गई है, और हमने कहा कि हम पर्ची एक हमने निकालनी है, वो किसके नाम की ये निकलेगी, तो पहले तो हम खुदा को बुलाते हैं कि वो आके एक पर्ची उठाएगी। खुद खुदा के लिए क्लैपिंग, आए खुदा। तो बेटा एक पर्ची आप उठा लें, तो भाई ये पर्ची जो ना निकली है मोहम्मद, तो मोहम्मद के लिए बहुत बहुत खुदा, हमारी अभी सोकर उठी है तो फ्रेश नहीं है, खुदा ज़रा मुस्कुरा के तो दिखा दें अपने सब दोस्तों को, शाबाश। तो अब ये हम, तो भाई हमारे प्यारे मोहम्मद के लिए, तो मोहम्मद बेटा आपको बहुत बहुत सारी हमारी दुआएं, हमारा प्यार आपके साथ है, और आप भी हमारे साथ अपना प्यार इसी तरीके से शेयर करते ये रहिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी दुआ करें और खुसूसी तौर पे जब भी आप अपना कुरान मजीद का सबक याद करें और उसके बाद आप दुआ करें, तो हम सबके लिए अपनी दुआओं के दरवाजे खोल दीजिएगा, और अल्लाह पाक हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम और फजल अता फरमाए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। ठीक है बेटा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और बच्चों आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बहुत अच्छा लगा आप सबके इतने सारे, मतलब हर हफ्ते पढ़ते हैं लेकिन इस बार कमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे सबके। मैं और अदा आप कुछ कहेंगे? भी यही कहूँगी बहुत अच्छे होंगे, खुदा आप अभी तक। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली के साथ हमेशा खुशोबाद रखे, दीनों दुनिया की सारी भलाइयां अता फरमाए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यार की चिट्ठी का सेगमेंट हमारे अब इख्तिताम को पहुंचता है,
दुआओं में हमें याद रखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये प्यार कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरकू।